तो सब लोग मतलब नीचे कर रहे डांस वगैरह करके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हम लोग घूमने जा रहा है शांति निकेतन में, वहाँ पे 300 साल पहले का पुराना पेड़ वो सब है, आई थिंक शायद इसी और इन तक बने रहेगा। तो अभी मेरा सब कुछ फ्रेश अप वगैरह हो गया, ओके लेट्स सी, तो चलते हैं। ओके चलते हैं हम लोग। चंदनी के टाइम में ये रहा प्लेस, तो अभी अंदर जाके दिखेगा हम आपको। ठीक है, आइए पहले आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। अरे इंग्लिश या हिंदी अच्छा लगेगा क्या? शांतिनी केतन देखने आया आज, जो शांतिनी केतन है ना, इसका पहले नाम था भुवन डांगा। यहाँ के एक जमींदार था लॉर्ड भुवन मोहन सिंह, उसका नाम लेके पूरा जायगा का नाम था भुवन डांगा। ये जमीन का जो एरिया है 3600 बीघा, 1200 एकड़ लैंड है। इसका पहले नाम था भुवन डांगा। ये तो देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज ए फ्रेंड ऑफ भुवन मोहन सिंह। सो देवेंद्रनाथ टैगोर 1862 कलकत्ता जुरासा को, आपको पता है कलकत्ता जुरासा को, वहाँ टैगोर का जन्म हुआ। तो कलकत्ता जुरासा को से उसके पिताजी नाव लेके पहले कांटवा, उसके बाद गुनुटिया एक गाँव है, वहाँ नाव से उतारने के बाद और डोली लेके फ्रेंड्स का हाउस जो समझ आते हैं यहाँ देखा, दो छातिम पेड़, तो छातिम पेड़ के नीचे देवेंद्रनाथ टैगोर कुछ समय विश्राम किया। वहाँ उसका प्राण का आराम, मन का आनंद, आत्मा का शांति। तो बाद में 1863 देवेंद्रनाथ टैगोर 20 बीघा जमीन खरीद किया ओनली 1 रुपीज देने के बाद। यहीं पे यहीं ये जो है पेड़ जिसके नीचे आराम किया, दिखाएंगे अब पहले इंट्रोडक्शन आपको देता है। तो खरीद करने के बाद एक मकान बनाया, मकान का नाम दिया शांति निकेतन गेस्ट हाउस। और टैगोर का जन्म हुआ आपको जानता है 1861 उसका जन्म हुआ, उसका पिताजी आया 1862 वहाँ एक ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शांतिनिकेतन मकान जो बनाया वो गेस्ट हाउस था, देवेंद्रनाथ टैगोर खुद करते आते थे, रहते था, उसको फ्रेंड भी रहते था। और टैगोर एक बार आया था छोटा जो सुनो 1873 पिता का साथ और शांतिनिकेतन, उसके बाद वापस गए। बाद में 1901 रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आया था स्कूल बनाने के लिए, 40 ईयर। और टैगोर का जन्म कलकत्ता में है, लेखा पढ़ा कलकत्ता में है। जो उसमें शादी हुआ, इंडिया डिवाइड नहीं हुआ, बांग्लादेश में शादी हुआ। तो 1883 रविन्द्रनाथ टैगोर का शादी हुआ, शादी के बाद बांग्लादेश में था। उसका पत्नी का नाम पता है भवतारिणी, फर्स्ट नाम था। शादी के बाद नया नाम दिया मृणालिनी टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और मृणालिनी टैगोर वो बांग्लादेश गया, सिलाई जवाब कुश्ती और रंगपुर सीनेट पातिसल शाहजहाँपुर वहाँ का जमींदार था। उधर 18 साल था, तो 40 साल उम्र के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर इधर आया था स्कूल बनाने के लिए, स्कूल शुरू किया। वो अभी विश्वभारती 124 साल चल रहा है ये इसका एज, ठीक है 124 साल, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो तीन पहाड़ जो बनिया टू हुआ है, हम सब कुछ दिखा रहे हैं यानी कि ले जा रहे हैं, जा रहे हम लोग। ये पुराना है, कोई इसको रोपण नहीं किया, ये नेचर से ग्रो हुआ, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ का पिताजी जो समय आया 1862 वो समय ये ट्री था, और टैगोर जो समय आया ये ट्री था 250 ईयर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो समय छोटा था ना, वो पिता का साथ आया था शांति निकेतन। तो सुबह से हम यहाँ खेलता था, खेलने के समय थ्री माउंटेन बनाया वो स्टोन पेबल लेके, इसीलिए जगह का नाम दिया तीन पहाड़, पहाड़ मीन तहिल तीन पहाड़। रविन्द्रनाथ टैगोर शुरू किया 1925 अभी तक चलता है, इसीलिए पूरा फूल हो गया। और टैगोर का बात था छोटा घर होगा बड़ा पेड़ होगा, इसलिए बड़ा पेड़ है। और एक बात,
ये रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती बनाने के लिए बाद 1941 उसका ध्यान हुआ, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ तो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस को कॉल किया, ये ध्यान होने के बाद कौन ये देखभाल करेगा, तो गांधी जी उसको दायित्व दिया, तो गांधी जी को नाम दिया महात्मा और गांधी जी रविन्द्रनाथ को बोला गुरुदेव, तो गांधी जी को मार दिया 1951 जवाहरलाल नेहरू इसको सेंट्रलाइज किया। इंडिया गवर्नमेंट का एक रूल है जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इनका चांसलर होगा, अभी नरेंद्र मोदी चांसलर है, यस, और द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट वही का विजिटर होता है, और पश्चिम बंगाल का जो गवर्नर श्री भी आनंद बोस वही का रेक्टर बाद में वाइस चांसलर, इसीलिए वो ट्री लेके मकान में पाम ट्री उसको बंगाली नाम नेम है ताल, ताल अब देखा फ्रूट बड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर से जूस खाता है, ताल ट्री है इसीलिए उसका नाम तालो ध्वज ये कब से है पेड़, बहुत ये तो बहुत पुराना है 1908 टैगोर बनाया है मकान, पेड़ गिरा नहीं तब से, नहीं नहीं अभी है, तो बांग्लादेश उसमें डिवाइड नहीं हुआ, वो जो ढाका से टीचर के लिए आए उसका नाम था तेजस चंद्र सेन, वो टीचर यहाँ पास उसका नाम भी लिखा है वो बोर्ड, ये पुराना है तो यहाँ पढ़ाई करते थे, नहीं नहीं ये वो टीचर रहते था आप पढ़ाता था विश्व भारती जो ब्रह्मचर्य आश्रम स्कूल ग्रुप शिक्षा का टीचर, बहुत ही सुंदर से मेंटेन किया है घर में, ध्यान रुपया आपको बता देंगे, एक ग्लास हाउस तो बहुत फेमस है, आप तो टीवी में देखा, इधर आइए, ये देखिए ग्लास हाउस प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल ये रविन्द्रनाथ का पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1890 बनाया, एक ग्लास बेल्जियम के लाया, बेल्जियम का ग्लास है, इटालियन का टाइल है, ये देखिए स्ट्रक्चर आयरन का है आयरनदार, और इसको 16 डोर है, एक दिन खुलता है वन डे वेडनेसडे, की वेडनेसडे खुलता है, रविन्द्रनाथ का पिताजी ब्राह्मण था, ब्राह्मण एक काइंड ऑफ रिलीजन, राजा राममोहन राय का पता है, वो राजा राममोहन ने जब ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा किया वो ब्रह्म धर्म प्रतिष्ठा किया, वो जो डॉल बोलता है वो नहीं चाहता था और मेडिटेशन क्राफ्ट था, इसीलिए मेडिटेशन हॉल बनाया, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो जो समय स्कूल बनाया वेडनेसडे रविन्द्रनाथ का पिताजी दीक्षा लिया, इसीलिए वेडनेसडे यहाँ का वीकली होलीडे, वेडनेसडे मॉर्निंग टाइम ये खुलता है, टीचर प्रोफेसर सब एक साथ मेडिटेशन करता है, सबको व्हाइट ड्रेस चाहिए, हर वेडनेसडे खुलता है, स्पेशल डे जो है फर्स्ट बैशाख नववर्ष का अनुष्ठान इधर ही होता है, 25 बैशाख रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन वो दिन का प्रोग्राम इधर ही होता है, 22 श्रावण टैगोर का देहांत का दिन वो दिन वो प्रोग्राम होता है, और वृक्षारोपण उत्सव भी होता है, और 25 दिसंबर ख्रिस्ट उत्सव भी इधर होता है, और कोई आश्रमवासी का देहांत होने के बाद उसका स्मरण सभा इधर ही होता है, जो कुणिका बंदोपाध्याय जो उसका देहांत हुआ वो स्मरण सभा इधर ही हुआ, गायत्री देवी इंदिरा गांधी जो जो यहाँ का फेमस स्टूडेंट था उसका देहांत होने के बाद ये मेडिटेशन होता है, मतलब जस्ट ये मेडिटेशन हॉल है, यस, और यहाँ कोई पूजा नहीं होता है, काली पूजा लक्ष्मी पूजा नो पूजा, ओनली द कॉमन प्रेयर, मेडिटेशन बैठ के ध्यान लगाना, ध्यान में ये तो गाना होता है वो राजा राम मोहन राय किशोर चंद्र सेन रामचंद्र विद्यावागीश महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का लाइफ हिस्ट्री डिस्कस होता है, और रविंद्र संगीत गाना होता है, कुछ नहीं होता है, इट इज ए ग्लास हाउस प्रेयर हॉल कांच मंदिर, और टैगोर का पिताजी 1863 वो 20 बीघा जमीन खरीद किया, पहले आपको बताया, तो 20 बीघा जमीन खरीद करने के बाद ये मकान बनाया, ये मकान का नाम दिया शांति निकेतन, फर्स्ट बिल्डिंग है विश्व भारती का, 160 ईयर एगो रविन्द्रनाथ का पिताजी ये मकान बनाया, एक गेस्ट हाउस टैगोर का पिताजी वास किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जो समय छोटा था वो पिता का साथ ही घर पर आया था एक बार, बाद में 1901 साल रविन्द्रनाथ टैगोर पूरा फैमिली लेके यहाँ वास किया रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उसका पत्नी मीनालिनी टैगोर, दो लड़का रतीन्द्रनाथ और सुमिंद्रनाथ, लड़की का नाम माधुरी रखा रेणुका मीरा, सब यहाँ वास किया, और टैगोर गीतांजलि लिखा, फर्स्ट पोएम इधर ही लिखा, तो लिखने के बाद नोबेल प्राइज मिली 1939 नोबेल प्राइज मिलने के बाद ये मकान का नाम लेके पूरा जगह का नाम दिया शांति निकेतन, और एक पार्ट का नाम दिया श्रीनी केतन, दोनों मिल के नाम दिया विश्व भारती, विश्व मीन्स द वर्ल्ड, भारती मीन्स द सरस्वती, वो जो विद्या का देवी है ना, इसीलिए विश्व भारती, और शांति निकेतन, शांति मीन्स द पीस, निकेतन मीन्स द हाउस,
ही है। और टैगोर जो समय बात किया यहाँ पर बहुत कविता गाना सब लिखा, और ईश्वर जो एक है इसलिए समझते हैं लिखा है एक मेव द्वितीयम आनंद रूपम अमृतम। ईश्वर एक ही होता है, ईश्वर का आनंद रूप अमृत का समान यही बात ठीक है। यहाँ पे ये मेन हाउस एक रविंद्र एक घर जो समय बनाया टैगोर 2 साल यहाँ में पहले था, अभी तो कोरोना के बाद जो क्लास चलता है ना खुलता था, अभी बंद कर दिया, अभी वर्ल्ड हेरिटेज हुआ अभी सवाल, इसीलिए बाद में ये खोलेंगे, बाहर से जो आदमी आएगा उसको देखेंगे, और अभी तो क्लास चलता है, क्लास दिखाता है फिर का नीचे होता है। पहले एक रूल था छुट्टी के बाद अंदर जा सकता है, अभी तो बंद कर दिया क्या करेगा वो तो मोदी जी को पता ही नहीं है। यार यहाँ जो भाई संतर है उसको बोला मैं ये खोल देंगे तो अच्छा लगेगा और तुम इसको देखेगा उसका महत्व अलग, जो कमेटी का मेंबर है इसको फ्लावर होता है फ्रूट होता है लेकिन खाने वाला नहीं है, फ्लावर का स्मेल बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो जो एजमा का पेशेंट है वो आएंगे तो उसको गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलता है डेविल ट्री, डेविल ट्री। और लिखा है छाती तोला ये वाला ए वन ब्रांच को 7 लीव्स आप देखिए वो करता है पत्ता एक ब्रांच स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और वही पत्ता देता। और लिखा है हिस्ट्री देखिए 1862 देवेंद्रनाथ टैगोर पहले यहाँ आए थे छातिम तोला ये स्टार्टिंग प्लेस ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये इस पेड़ का इम्पोर्टेंस क्या है कुछ और कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, उस समय कोई पेड़ नहीं था ओनली छातिम पेड़ था, इसीलिए छातिम पेड़ के नीचे बैठा इसी पेड़ के नीचे उसको स्टूडेंट को याद करने के लिए वो छातिम पत्ता बड़ा खुशबू होता है। यस यस। और एक बात देखिए वो नॉर्थ उत्तरायण लिखा है, उत्तरायण इंग्लिश में लिखा है, ये साउथ है छातिम तला का नॉर्थ साइड इसीलिए उत्तरायण बोलता है। तो उत्तरायण का डिवाइड किया दो, एक रविंद्र भवन एक म्यूजियम, म्यूजियम पर टैगोर का सब सामान है, और रविंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्र भवन और टैगोर का घर है आप जो जो समय अंदर जाएगा वो देखेगा 6 घर है, उदयन एक घर है वो उसको बनाया विंटर के लिए, उदयन कोणार्क स्प्रिंग के लिए, श्यामली गर्मी के लिए, श्यामली जो उदीची वर्षा के लिए, पुनश्च वो शरद के लिए, और चित्रभानु हेमंत के लिए 12 मंथ 6 सीजन, इसीलिए टैगोर 6 घर बनाया, वो सूरज का रोशनी देखने के वो बनाया एक एक सीजन के लिए एक एक, वो देखेंगे बाद में आप। ये स्टूडेंट के लिए 10 रुपीज टिकट है और बड़ा जो है उसको 70 रुपीज टिकट का तो गेस्ट हाउस का नाम लिखा है। आप यहाँ खड़ा जो है ना इसको उत्तरायण बोलते हैं, देखिए उत्तरायण रविंद्र भवन लिखा है। आप दो उधर है या लेफ्ट साइड लेंगे वो वहाँ से वो ताला घर आपको दिखाएंगे, वो सीधा बोलपुर स्टेशन से आता है रोड ये वाला लेफ्ट साइड होगा, मैं ये रोड पर चलता है अभी उत्तरायण के बाद तो ताला भवन ले जाएगा वापस आएगा तो रविंद्र भवन। आइए जो कैंपस है ना इसका नाम कला भवन वो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट उधर भाषा भवन विद्या भवन पाठ भवन रविंद्र भवन ये कला भवन कला भवन। अरे आप दिखता है इसको बोलते हैं इग्लू, इग्लू एस्किमो का घर है, वो साउथ कोरियन का एक लड़की इधर पढ़ने आया कला भवन और एडुकेशन फिनिश होने के बाद 2016 वो लड़की ये बनाया, मैं दिखा बनाना काम अब मैं तो जो लड़की बनाता है उसको दिखा मैं, वो वहीं का स्टूडेंट था साउथ कोरिया का। तो 2016 वो जो ब्रिक लेके बनाया ये तो आइस लेके होता है वो ब्रिक मॉडल इग्लू और पीछे देखिए एक बड़ा ऑडिटोरियम है इसको बोलता है नाट्य घर। इधर कोई एडमिशन होने के बाद पहले जो एडमिशन टेस्ट इधर ही होता है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का फाइनल एग्जाम इधर ही होता है। अब वर्षा का समय स्टूडेंट लोग इनसाइड में एक स्टेज है वहाँ ड्रामा प्ले करता है, तो इधर तो फ्लोर जाए ना फ्लोर पर 40,000 का कैपेसिटी है, सब बढ़ता है वो देखता है ड्रामा। और शारद उत्सव पूजा का पहले जो शरद काल चलता है ना तो उस समय एक प्रोग्राम होता है शारद उत्सव। यहाँ जो 9 भवन है ना एक एक भवन का लड़का लड़की एक एक दिन इधर ड्रामा प्ले करता है, ये तो इधर रूल्स है जो यहाँ पड़ेगा वो जो
प्रेयर हॉल वो आने का जरूरत है। ये ओरिजिनल यहाँ का एक टीचर था, उसका नाम राम किंकर बेज, वो 1938 में बनाया। ये ट्राइबल फैमिली एक जगह छोड़ के अलग जगह जा रहा है, देखिए काम के लिए। तो हस्बैंड वाइफ बहुत है, वाइफ जो है ना वो सिर पर एक बास्केट है, एक मैट है, हस्बैंड का कान पर एक बांक है, दो बास्केट है, एक बास्केट पर सामान है, इधर बच्चा है उसका भी है, सब लेके एक जगह छोड़ कर अलग जगह जा रहा है। वो जो मटेरियल लेके बनाया, पहले आयरन बार से स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद सैंड सीमेंट स्टोन मिक्स करके थ्रो करके बनाया। वो कोई क्या थ्रो करके, वो जो रामकिंग कॉर्बेज वो मिक्सचर बनाने के बाद वो थ्रो करके करके बना, मिट्टी नहीं नहीं वो कक्कर है, तो सीमेंट बालू पत्थर सब मिक्स करके बनाए, सीमेंट बालू पत्थर। हाँ, और ये तो पहले एमटी था, फंका था, राजीव गांधी जो समय प्राइम मिनिस्टर हुआ वही का चांसलर हुआ, तो ये सेट वो बना दिया। इधर लिखा है देखिए मालोन चेक लिखा है, और टेगोर का जो उसका जो हिस्ट्री आपको बताएंगे, टेगोर का लाइफ बहुत दुखा है। 1901 साल में आया था शांतिनिकेतन घर, आपको बताया, तो दो साल आया था उसके बाद 1902 टेगोर का वाइफ मीनालिनी टेगोर को मर गया, बीमार हुआ मर गया। बाद में छोटा लड़का सोमेंद्रनाथ टेगोर यहाँ से बिहार घूमने गया मुंगेर, वहाँ कॉलेरा हुआ वो मर गया। उसके बाद सेकंड लड़की उस हेलो जी, तो अभी हम लोग जाएगा म्यूजियम में, स्टूडेंट का लाइट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, और कोई का एक बात, कोई का टॉयलेट की जरूरत है तो फ्री टिकट ले लिया। अब आगे को बिलाप छुन गए, हम इसलिए हम चोल गए, इसलिए को बिलाप छुन खोला पड़ेगा। हां और यहाँ पे शूज जो खुद जाना पड़ेगा हम लोग को अंदर, और यहाँ पे शूज भी खुल लिया। अंदर फोटो मत खींचना, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फोन मत। लो जी, तो अभी हम लोग अंदर जाके देखा, तो अंदर में बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा चीज़ है, बट अब सबको नहीं दिखा पाया, अंदर में वीडियो अलाउ नहीं है और फोटो वगैरह भी अलाउ नहीं है। आई होप कि आप सब आके देख लो, देख लो एक बार। अभी बाहर आ गया हम लोग फिर, और यहाँ पे फूल वगैरह मजा सजा है। और यहाँ पे पेड़ है, एक सुंदर सा पेड़, और यहाँ पे पूरा गार्डन है, यहाँ पे फूल सब रखा हुआ है, और यहाँ पे पूरा पूरा प्लेस है, जगह बहुत बड़ा जगह है, यहीं भी जा सकता होगा ना। और अभी जाके फोटो और यहाँ पे मछली भी है, चल ये रविंद्रनाथ टैगोर का कार रखा हुआ है। दोस्तों के लिए रुक रहे हमें, और यहाँ बेरेस करके बैठे दोस्त, और कोई कोई नहीं आया अभी तक, उसके लिए वेट करके बैठे हैं हम लोग। तो फाइनली हो गया अंदर में पूरा घूम के, तो अभी हम लोग को जाना है बाहर, बाहर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बैग वगैरह भी रखा है, बैग भी ले लेगा हम लोग। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा है,
और अभी होगा हम लोग का फोटो क्लिक ग्रुप फोटो। और यहाँ पे इस तरह का है, बहुत ही सुंदर सुंदर बनाया है। हम लोग यहाँ पे मार्केट पे देख लेगा, यहाँ पे आलू ले लो। बहुत ही भीड़ हो रखी है पूरी जगह। यहाँ पे हम लोग ने खूब एंजॉय किया और बेगुली डांस भी किया हम लोग ने। यहाँ में बहुत ही मजा लगा, बट यहाँ पे कपड़ा और सब अच्छा नहीं था, बट हम लोग के लिए नहीं था, सिर्फ बेंगुली के लिए था। कोई थोड़ा अच्छा नहीं लगा हम लोग को, बट खूब एंजॉय किया यहाँ पे डांस करके हम लोग ने। आंटी जूस दे दो, जूस दो कप, जूस अंकल जूस दे दो कप, दो कप। हाँ कौन सा पीगा, ऑरेंज अनारस, अनारस का कितना है? हाँ ऑरेंज पी लो, हाँ ऑरेंज का दे दो। जूस दोनों को पिला दिया हमने यहाँ पे, अभी जाएगा आगे। तो अभी यहाँ पे बैठते बैठते बोरिंग लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नारियल पी लेगा दो समझ लो। पियो पियो। तो अभी पी रहे हम दोनों यहाँ पे नारियल, बहुत ही मजा है। लाइक देखते हैं।